हेलो दोस्तों, आप लोग मज़े में है। आज संडे का दिन, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मेरे चैनल पर यह पहला ब्लॉग है, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अमरजीत मुखिया वेस्ट बंगाल मालदा से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो हमारे पीछे बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को आपको मिल रहा होगा। देखिए, वहां पर बहुत सारे आम का पेड़ है, कुछ दिन बाद ही आम फलने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग का जो मालदा ज़िला है, यह पूरे भारतवर्ष में आम के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है, क्योंकि आम को फलों का राजा माना जाता है और पूरे भारतवर्ष में मालदा ज़िला में ही आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, आम का पेड़ बहुत सारा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके बगल में देखिए, सरसों का खेत है। यहाँ पर सरसों का खेत का पूरा खेत है, बहुत सारा खेत है, ढेरों सारे। देखिए, दूर दूर तक आप लोगों को सरसों का जो खेत है देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखिए, और पास ही एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में शायद ही मछली होगा, मगर यह तालाब सरसों का जो खेत है, उस सरसों के खेत में पानी देने के काम में आता होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे थे ताकि आपको मैं अपने ब्लॉग में अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड या जो इमेज है वो आपको दिखाने की कोशिश में लगा हूँ। देखिए, मेरे पीछे ही आपको एक रेलवे का ट्रैक देखने को मिल रहा हो। यहाँ पर रेल गाड़ी हमेशा आती जाती रहती है। इस पर खड़े होकर मैं आप लोगों को इस रेल लाइन का जो नज़ारा है, ट्रैक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, दूर दूर तक आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से दूर दूर तक ट्रैक शायद ही देखने को मिलता होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक लाइन के हिसाब से मान लीजिए ये स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हो सकता है नहीं हुआ होगा। मैं इलेक्ट्रिक का जो तार है वहाँ पर ऊपर में लगा दिया गया है, तो शायद कुछ दिनों में ही यह आपका जो इलेक्ट्रिक का जो इंजन है, इसके माध्यम से यह चालू हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे ताकि मैं आपको इस अच्छे अच्छे नज़ारा को आप लोगों को शेयर कर सकूँ। देखिए, आपका उत्तरी, उसके बाद दक्षिणी साइड में आपको दिखा रहे हैं रेलवे का जो ट्रैक है। देखिए, यहाँ पर तार है, तार यहाँ से रेल का जो इंजन है जिसके माध्यम से आपका रेलगाड़ी चलते हैं, इस बिजली के तार के माध्यम से ही रेल में जो इंजन है जिसको करंट को सप्लाई मिलेगा और रेलगाड़ी चलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारा दिखा पाऊँ। यहाँ बगल में जो पोखर है, देखे दिखाए थे, देखिए बगल में हरा हरा